morning, friends. Let us begin our today's session. And this week's topic is dot-com bubble. Many of you are puzzled ki ye dot-com bubble kya hai, pehli baar suna hai. Okay? Isliye ye session hum log rakhte hai ki hum log inke baare mein jankari le paaye. Okay? So let us begin with this wonderful topic. Iske liye dot-com, ye naam se to aapko samajh gaya hoga kuch. Dot-com matlab something related to internet hai. Barabar na? To ek kaam karte, kuch time pehle jaate. Of course, 20-30 years back, we will imagine things. कि चीजें 20-30 साल पहले कैसी होती थी. I understand you are too young to understand कि 20 साल पहले 30 साल पहले क्या होता था, क्योंकि आपकी उम्र ही लगभग 20 साल रहेगी मैक्सिमम ऑफ यू. बट देन काफी लोग इंटरनेट पे भी ये सुन रहे देख रहे, तो आप लोग इमेजिन कर सकते होंगे आज से 20-30 साल पहले क्या होता था. ओके, इमेजिन करो वो वक्त में जनरली कोई भी चीज, एवरी सिंगल चीज आपको बाय करना है, आप मार्केट जाते थे, बराबर ना. फिर अगर आपको शॉपिंग करना रहता था तो आप फ्रेंड के साथ शॉपिंग मॉल जाते थे या कोई शॉप में जाते थे शॉपिंग करने के लिए. अगर आपको एक छोटी मोटी कोई भी न्यूज़ के बारे में भी जानकारी पता करनी है तो इट इज़ ओनली वन मीडिया, दैट इज प्रिंट मीडिया अवेलेबल, न्यूज़पेपर्स, जिसके थ्रू हमको न्यूज़ से समझता था कि ये हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ. एंड एक फेवरेट टाइम उस वक्त रहता था, दैट इज़ नथिंग बट फ्रेंड्स का गेट टुगेदर टाइम. एवरी इवनिंग जनरली ऐसा होता था कि सब फ्रेंड्स वगैरह मिलते थे, जिसको हम लोग कट्टा वगैरह बोलते हैं. ओके, ये वक्त धीरे धीरे चेंज होता गया और चैटिंग एवरी डे विथ फ्रेंड कम होता गया, क्योंकि ये सब अभी वर्चुअल होने लग गए हैं, बराबर ना. तो वर्चुअली, अरे हाँ, मैंने उससे बात हुई थी, कब हुई थी, इंटरनेट पे हुई थी, कैसे हुई थी, मोबाइल पे हुई थी, तो ये सब चल रहा है आजकल. बट आज से 20-30 साल पहले ये सब चीज़ें रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती थी. फिर उसके बाद में हम बात करेंगे समवेयर अराउंड 1995, जहाँ पे कुछ आविष्कार हुआ दुनिया में और एक चीज़ आई जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेट. एक कॉमन पर्सन के ज़िंदगी में ये इंटरनेट नाम की चीज़ जब आई थी 1995 के अनुसार, मतलब ये टाइम के आसपास ये चीज़ बहुत पॉपुलर हुई थी रादर. एंड ये इंटरनेट नाम की चीज़ ने सब कुछ बदल के रख दिया. ओरिजिनली इंटरनेट किसने लाया था? US मिलिट्री ने लाया था. और जब उन्होंने इनिशियली लाया था उस टाइम पे 18 मिलियन यूजर्स थे उसके सिर्फ. और धीरे 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 ये कॉमन मैन के लाइफ का एक पार्ट बन चुका है. और किसी ने सोचा नहीं था कि जब इंटरनेट लाया गया था तो वो तो ऑब्वियसली सिक्योरिटी एंगल से लाया गया था, बट देन आज हम लोग हर चीज के लिए नेट यूज करते हैं. ओके, पीपल गॉट टू नो व्हाट दे कैन डू विथ इंटरनेट. धीरे धीरे उनको समझने लग गया, अरे इंटरनेट से ये भी होता है, वो भी होता है. जैसे कि आप सबको पता है, यू कैन डाउनलोड म्यूजिक विथ इंटरनेट. ओके, उस टाइम के मैं यूजेस बता रहा हूँ आपको 1995 वगैरह के. देन फेवरेट टाइम उस टाइम पर रहता था चैटिंग विथ पीपल, चैट रूम्स रहते थे वहाँ पे, और उस टाइम पे आप नोन अननोन पीपल के साथ चैटिंग भी कर सकते थे. आपको पता होगा ये चीज़, याहू मैसेंजर, ओके, जिसके थ्रू चैटिंग होती है. ओके, एंड देन उसके बाद कुछ ईमेल नाम की चीज़ भी उस टाइम पे आई थी, एंड वो इंटरनेट के थ्रू ऐसा हो सकता है. ये पहली बार समझा कि किसी को कोई खत वत भेजने की ज़रूरत नहीं है, नेट के थ्रू डायरेक्टली अगले मिनट में उसको मिल जाएगा. ओके, तो ये सब चीज़ें उस टाइम पे बहुत नई थी, जब पोस्ट का ज़माना था, कुरियर भी बहुत कम थे, तो पोस्ट तो कॉमनली यूज था. एंड उस टाइम पर ईमेल नाम की चीज़, मतलब उनके लिए तो बाप रे क्या बड़ी चीज़ हो गई, कि मेरा खत आया और वो एक मिनट में मेरे को मिल गया, और कोई फिजिकल कॉपी नहीं है, कुछ नहीं है, उसने वहाँ से क्लिक दबा दिया, मुझे यहाँ पे मिल चुका है. ऑब्वियसली उस टाइम पे बहुत, हम लोग ओल्ड सिनेरियो की बात करें, जहाँ पे इंटरनेट कनेक्ट होने के लिए भी कुछ टिपिकल साउंड बजता था ऐसे टाइप का, क्योंकि इट वॉज ऑल अबाउट विथ टेली कम्युनिकेशन, यू नो, मतलब टेलीफोन कनेक्शन, लाइन कनेक्शन होना रहता था उस टाइम पे, तो नेट कनेक्ट होता था. उस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ आपके साथ. तो नेट, ये ईमेल वीमेल आना, ये तो उस टाइम पे बहुत बड़ी बात थी. एंड उसके साथ अटैचमेंट होता है, डॉक्यूमेंट अटैच होते हैं, ये भी लोगों को बाद में धीरे धीरे समझने लग गया. तो दिस गिव बर्थ टू अ न्यू एज विच इज कॉल्ड एज इन्फॉर्मेशन एज, जिसमें हम लोग आज सब रह रहे हैं. Today's age is, as you all know, information age, because every minute detail you have on internet available to you. So friends, business started on internet slowly and eventually. You know companies like Google, Yahoo, Amazon, eBay, ye sab companies ka huge volume of business internet pe aane lag gaya. Okay, and ye sab dekhte hue logo ko aise hairani ho gayi ki business karne ka ye bhi tarika ho sakta hai. Unko dheere dheere samajh gaya ki online shopping bhi hoti hai. ओके, एंड मार्केट में गए बगैर चीज़ें हमारे तक पहुंच सकती है, ये किसी ने सोचा नहीं था, वो धीरे धीरे इसके थ्रू समझने लग गया. एंड ये कंपनीज कुछ ही वक्त में मिलियन डॉलर, ट्रिलियन डॉलर कंपनीज बनने लग गई, क्योंकि उन टाइम पे इनका मोनोपोली टाइप हो चुका था. ओके, देन इस पूरे फेज में इंटरनेट वॉज स्टिल अ पजल फॉर मैनी.
काफी लोग मतलब नेट यूज करते थे बट नेट से एग्जैक्टली होता क्या है वो उनको अभी तक पता नहीं था. ओके फिर धीरे धीरे वो यूसेज के थ्रू सीखने लग गए नेट से क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, कैसे फाइल अटैच की जाती है, कैसे डाउनलोड किया जाता है म्यूजिक वगैरह सब कुछ. एंड स्टिल पीपल कंटिन्यूड यूजिंग दिस बिकॉज दे थॉट दिस टू बी अ न्यू बिग थिंग. गूगल अमेजोन ऐसे बिजनेस स्प्रेड कर रहे थे वाइल्ड फायर जैसे, तो ऑब्वियसली इनको लगने लग गया कि नहीं ठीक है इंटरनेट की आधी चीजें हमको पता नहीं है बट सीखना जरूरी है क्योंकि अगला फ्यूचर ही इंटरनेट है. ओके एंड फिर इंटरनेट वॉज न्यू दैट टाइम, इट वॉज रॉ, इट वॉज अननोन टू मेनी एंड इट वॉज बाउंड टू क्रिएट न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर मेनी. मतलब कौन मेनी, मतलब अब यहाँ पे आ गए बिजनेसमैन जिनको एबीसीडी नहीं मालूम है कंप्यूटर की, वो सोचने लग गए कि अगर कंप्यूटर एंड इंटरनेट ये नई चीज है आज तो मुझे ये सीखना जरूरी है और मेरा बिजनेस भी इस प्लेटफॉर्म पे होना जरूरी है. लोगों ने क्या किया, वेब बेस्ड बिजनेस स्टार्ट करना स्टार्ट कर दिया. मेनी ऑफ देम दे स्टार्टेड देयर वेबसाइट लुकिंग एट अदर सक्सेसफुल ऑनलाइन बिजनेसेस. जो भी ऑनलाइन सक्सेसफुल बिजनेसेस रहते थे उनको देखकर इन्होंने खुद की वेबसाइट बनानी स्टार्ट कर दी. वेबसाइट्स लाइक pets.com, वेबसाइट लाइक webvan.com, ये सब उस टाइम के इंटरनेट कंपनीज थे जो बहुत फेमस हुए थे. एंड ऑनलाइन शॉपिंग फैसिलिटीज इन्होंने सब ने अपने वेबसाइट पे ला ली थी, मेनली अमेजोन उसमें से सबसे पायनियर था. एंड दोस्तों ऐसे पूरे केस में काफी यंग इनएक्सपीरियंस्ड सीईओज पैदा हो गए जिनका बिजनेस करने का तौर तरीका ही टोटली अलग था. उनको इंटरनेट मतलब इजी मनी लगने लग गया, कब कुछ ही टाइम में हमको बहुत पैसा मिल सकता है इसीलिए इस बिजनेस में एंटर होना है, ये ओपिनियन के साथ ये लोग एंटर होते थे. ओके सो दे डिडंट न्यू मच अबाउट कंप्यूटर्स, दे डिडंट न्यू मच अबाउट कोडिंग, लैंग्वेजेस ऑफ कंप्यूटर. हाउएवर दे वांट टू रन अ बिजनेस विच इज वेब बेस्ड बिजनेस, बट दे हैड देयर वेब बेस्ड बिजनेस जहाँ पे हम उन्होंने क्या सोचा कि नए अपॉर्चुनिटीज टैप कर सकते वो लोग, नया मार्केट टैप कर सकते, और वो नया मार्केट उनके लिए इंटरनेट था. इंटरनेट के थ्रू उनको लगता था कि उनका बिजनेस वाइल्ड स्प्रेड हो सकता है. एंड ये उम्मीद के साथ भले उनको कुछ कुछ भी नॉलेज नहीं है उसका, फिर भी वो इस बिजनेस में एंटर होना स्टार्ट कर दिया. और ऐसे सिर्फ एक या दो सीईओज नहीं है, मल्टीपल सीईओज है जिन्होंने ये बिजनेस स्टार्ट किया. धीरे धीरे .com ये कंसेप्ट फेमस होने लग गया बिकॉज उस टाइम पे .in, .net ये सब कुछ नहीं था. उस टाइम पे इट वॉज एवरी वेबसाइट एंडिंग विथ .com. ओके एंड At least the web businesses which ended their name with .com, all these businesses we called .com bubble. जो भी businesses set होने लग गए उस time पे उनका नाम end में क्या रहता था .com, या तो starting में रहता था E. E stands for internet based. So internet या .com, internet not .com. Starting में E रहेगा या end में .com रहेगा. And उस वक्त तो ऐसा हो गया कि कोई भी business है अगर उसका ending .com से है या तो starting E से, मतलब वो business बहुत prosper होने वाला है क्योंकि internet is a new big thing and it will be going to change everything in the world related to business. ऐसा लोगों को लगने लग गया उस time पे. And many of them they thought any business on internet would be huge, बहुत बड़े volume में play हो सकता है, and started investing money into such businesses. आए नए नए idea आते थे लोगों के दिमाग में और वो लोग उस business में पैसा डालना start कर चुके थे. Every possible business ending with .com got a good response that time. .com bubble बोलते इसको. And इस वक्त क्या हुआ था, people started investing in .com companies whom they didn't even knew कि उनका nature of business क्या है, उनके CEOs क्या है, उनका managing team क्या है, उनको knowledge कितना है, experience कितना है, कुछ नहीं देखा जाता था. सिर्फ एक चीज देखी जाती थी, internet business है, invest करो. Okay, that was a bubble created that time. They started purchasing their shares as they considered internet business would be changing the normal business doing style. जो भी normally business होता था वो पूरा style change करके रख देगा internet, ये उम्मीद के साथ हर कोई .com company में investment करता था, उसी के share खरीदना चाहता था, उसी में पूरा पैसा लगाना चाहता था. Multiple reasons थे इसके कि IPOs उस time पे कैसे flourish हुए. बड़े बड़े companies क्या करते थे, for example web based business मैंने start किया है मेरा, तो मैं क्या करता था, मेरे पास एक concept है, एक idea है और मैंने अपना एक website बना दिया है जो operational है, चल रहा है अभी फिलहाल. मैंने इमीडिएटली अपने बिजनेस का IPO ला लिया, उसका एज ऑफ नाउ 100% स्टेक तो मेरे पास ही है. अब मैं उसमें से 10% 15% स्टेक डाइल्यूट करता था फॉर सर्टन प्राइस. एंड क्योंकि उस टाइम पे एक बबल क्रिएटेड था, सबको लगता था इंटरनेट मतलब तूफान है, इंटरनेट मतलब अगली नई चीज है जो बेस्ट है, तो लोगों ने मेरे IPOs खरीदने स्टार्ट कर दिए. और कुछ बातें आपको सुनकर हैरान होगी, जैसे कि पीपल स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन .com कंपनीज IPO. 1999 की बात करूं मैं दोस्तों,
457 IPOs आए थे उस ईयर में, एक ईयर में 457 IPOs आए थे, जिसमें से 117 IPOs लिस्टिंग के पहले दिन डबल प्राइस पे लिस्ट हुए। लिस्टिंग के फर्स्ट डे को डबल प्राइस पे लिस्ट हुए, इसका मतलब लिस्ट हुए विद इन फ्यू आवर्स डबल हो चुके थे उसके प्राइसेस। सपोज फॉर एग्जांपल $10 का एक शेयर था, डायरेक्टली $20-$22 पे चला गया फर्स्ट डे ऑफ द लिस्टिंग। कितने आईपीओस? 117 आईपीओस आउट ऑफ 457। एंड ये तो मैं सिर्फ आपको डबल का नंबर दिखा रहा हूं, इसका मतलब आप इमेजिन कर सकते हो उस फेज में कितना बुलिश फेज रहेगा। डबल के थोड़े नीचे रहेंगे तो इसमें अकाउंटेड भी नहीं है वो। मतलब ऑलमोस्ट एवरी आईपीओ एंडेड विद अ हायर प्राइस ऑन लिस्टिंग डे। एंड एक कंपनी नेटस्केप, जो एक ब्राउजर कंपनी था, वेब ब्राउजर कंपनी नेटस्केप, जिसका आईपीओ आया था 28 रुपीज में, विद इन फ्यू आवर्स ऑफ लिस्टिंग इट वेंट अप टू $75, मतलब ऑलमोस्ट थ्री टाइम्स दिस वॉज द कंपनी। इस पूरे सिनेरियो को देखकर आपको समझ रहा है कि 1999 में आप इमेजिन कर सकते हो कितना बूम फेज रहेगा। And that boom phase for all technological related company, technological companies, .com companies. US में एक एरिया माना जाता है सिलिकॉन वैली, जहाँ पे सभी .com companies, मतलब टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंपनीज है। तो ये सब आई पी ओज ऑलमोस्ट उसी कंपनी के थे, उन्हीं सिलिकॉन वैली एरिया वाले कंपनीज। दैट टाइम सिलिकॉन वैली वॉज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट हैपनिंग एरिया, रिचेस्ट एरिया एंड फ्लरिशिंग एरिया। बट बबल बर्स्ट कब होगा इसका कोई गारंटी नहीं है। डॉट कॉम बबल क्रिएटेड है अभी तक, तो मतलब एक बलून क्रिएट हो रहा है, ये बलून जब बर्स्ट होगा तब सिनेरियो कुछ और ही होगा। तो बबल क्रिएट क्यों हुआ ये सोचते हैं हम लोग सबसे पहले। ऐसा तूफानी तरीके से स्टॉक मार्केट्स बढ़ने लग गए जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटी एप्लीकेबल ही नहीं है। मतलब कोई चीज नीचे आनी चाहिए ना, गिरने वाली चीज, हर जो चीज है ऊपर वो गिरेगी तब नीचे आनी चाहिए, बट ऐसा कुछ होता ही नहीं था। ऐसा लग रहा था कि लॉ ऑफ ग्रेविटी वॉज सस्पेंडेड फॉर फ्यू ईयर्स। Everybody was expecting ये stock prices कभी नीचे आएंगे ही नहीं। और होता क्या था, मेरे दोस्त ने उसमें पैसा कमा दिया तो मुझे भी पैसा कमाने की इच्छा हो जाती थी। फिर कोई और दोस्त है जो knowledgeable है और जो मुझे बता रहा है कि .com कुछ नहीं है, ये एक बबल है, मैं उसको सुनने को तैयार नहीं था, क्योंकि मेरे माइंड में एक इल्यूजन था, मुझे भी पैसा कमाना है और बस दूसरे कमा रहे इसलिए मुझे कमाना है, ये सोच के हर कोई उसमें इन्वेस्ट करने लग गया एंड स्टॉक मार्केट कंटिन्यूसली राइज होने लग गया। स्पेक्यूलेशन था ये, ऑल अबाउट gambling, नथिंग एल्स। किसी को कुछ पता नहीं है डॉट कॉम क्या है, इंटरनेट क्या है, कौन सी कंपनी, कौन से सीईओ, क्या एक्सपीरियंस है, क्या डिग्री है, कुछ नहीं पता, बैकग्राउंड नहीं पता। बस उनको इतना पता है लोग कमा रहे और मुझे भी अपना पैसा इन्वेस्ट करके कमाना है। दैट टाइम वेंचर कैपिटल कंपनीज ऑल्सो इन्वेस्टेड इन डॉट कॉम कंपनीज। आप सबने मेरा लेक्चर सुना है पीछे का, वेंचर कैपिटल पे हमने एक सेपरेट सेशन लिया था। तो VCs जो बड़े बड़े बिजनेस, मतलब बिजनेस आइडियाज में इन्वेस्ट करते हैं, तो US के VCs, USA में जो वेंचर कैपिटल कंपनीज थे, उन्होंने भी डॉट कॉम कंपनीज में ह्यूज अमाउंट इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया था। एंड उस टाइम पे एक खासियत थी, उस टाइम पे रेट ऑफ इंटरेस्ट वॉज वेरी लो, इसलिए पब्लिक को लगता था ठीक है यार 2% 3% पे पैसा मिल रहा है, ले लो और इन्वेस्ट करो, अच्छा खासा रिटर्न आएगा और मेरा पैसा डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। इस कंपनी में इन्वेस्ट करो, उस कंपनी में इन्वेस्ट करो, हर वो कंपनी जो वेब बेस्ड है उसमें इन्वेस्टमेंट करते थे। बिकॉज ऑफ ऑल दिस रीजन स्टॉक मार्केट ग्रू एंड ऑल द शेयर प्राइसेस दे स्टार्टेड राइजिंग। सिनेरियो ऐसा हो गया कि थोड़े टाइम बाद चीजें बदलने लग गई। तो व्हाट एग्जैक्टली वेंट रॉन्ग, वी विल सी दैट। ये बबल क्रिएटेड है ठीक है, शेयर प्राइसेस बढ़ रहे, सब कुछ ठीक है, बट फिर एग्जैक्टली क्या गलत था इस पूरे सिनेरियो में। वेब बेस्ड बिजनेस ओनर्स डाइल्यूटेड अ पार्ट ऑफ देयर होल्डिंग फॉर मिलियन एंड बिलियंस ऑफ डॉलर। मेरा आइडिया था, मेरा बिजनेस था, पूरा 100% स्टेक मेरे पास है, मुझे उसका सिर्फ 10-15% स्टेक डाइल्यूट करना है, तो मैं क्या करूंगा, अपने बिजनेस के शेयर प्राइजेस हाई रखूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मार्केट पूरा मेरे बारे में बुलिश है, तो मैं अपने शेयर प्राइजेस हाई रखकर 10-20% स्टेक डाइल्यूट करता था, जिससे मुझे बिलियन ऑफ डॉलर्स मिलते थे। और वो बिलियन ऑफ डॉलर्स से मैं एज अ ओनर क्या करता था, लैविश कार्स खरीदता था, लैविश ऑफिस बनाता था, एम्प्लॉयज को बोनसेस पे करता था, एम्प्लॉयज को अच्छे अच्छे फैसिलिटीज देता था, और ये सब देखकर इन्वेस्टर्स को लगता था ये कंपनी मतलब और अच्छी कंपनी है, वाह देखो हमारी कंपनी ने वहां पे ऑफिस बनाया है, देखो हमारी कंपनी ने ये खरीदा है वो खरीदा है। अल्टीमेटली खरीदा हुआ जो पैसा है वो आपका ही है, इन्वेस्टर का ही पैसा है जिससे ये सब खरीदा जा रहा है। एक्चुअली आईपीओ, डू यू थिंक आईपीओ में हमने इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? Yes, we had a session on IPO also, if you remember. And IPO में हमने इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, बट IPO में इन्वेस्टमेंट तब करेंगे जब कंपनी प्रॉफिट में है,
देखो क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पे, आईपीओ आर वर्थ इन्वेस्टिंग इफ द कंपनी रन्स इन प्रॉफिट, बट इफ दे डोंट देन व्हाट। एक्चुअली ये जो डॉट कॉम वाली कंपनीज थे ये लॉसेस में थे, और ये जानते हुए भी पब्लिक फिर भी इन्वेस्टमेंट कर रहा था, बिकॉज उनको लगता था दे बिलीव दैट इंटरनेट इज गोइंग टू बी द फ्यूचर एंड इवेंचुअली दिस कंपनीज विल बी इन प्रॉफिट। अभी फिलहाल एक दो साल लॉस में है क्योंकि नया कंपनी है, बट प्रॉफिट में आएगा ये उम्मीद के साथ लोग उस आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करते थे, उसके शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते थे, और शेयर प्राइस बढ़ता था, ओनर अपने कुछ शेयर डाइल्यूट करके वो पैसा लेता था और उससे और नए ऑफिसेस खरीदता था, नया कार खरीदता था, वैकेशन पे जाता था, उसके फोटोज आते थे न्यूज़पेपर में। ये क्रेज बन चुका था सबके लिए कि इंटरनेट बेस्ड ये ओनर 10 दिन के लिए ये वैकेशन पे, 50 दिन के लिए वो वैकेशन पे, और फिर भी बिजनेस अच्छा चल रहा है। ओके, जबकि एंड में बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, ये सब कंपनीज का लॉसेस हो रहे हैं, एंड सबको पता है लॉस हो रहा है, बट सब लोग एक इल्यूजन में कि मुझे मेरा पैसा बनाना है, इस कंपनी के शेयर खरीदना है, दो डबल होने वाले, ट्रिपल होने वाले, ये उम्मीद के साथ बस खरीदना है, खरीदना है, खरीदना है। ये बस एक रैली चल रही थी जिसके पीछे बैकग्राउंड में कोई फंडामेंटल स्टडी, टेक्निकल स्टडी कुछ नहीं था, एक ही था, गैम्बलिंग स्पेकुलेशन। नथिंग हैपेंड लाइक दिस, कोई इवेंचुअली कंपनी प्रॉफिट में नहीं आती थी, 50% से भी ज्यादा कंपनीज लॉसेस में थे उस वक्त जो डॉट कॉम कंपनीज थे। डॉट कॉम बबल बस्ट कैसे हुआ, टर्निंग पॉइंट ऑफ द गेम क्या था, कि शेयर प्राइजेस कंटिन्यूअसली राइज होने लग गए। व्हाट हैपेंस फ्रेंड्स, इफ कुछ चीजें लिमिटेड अवेलेबल है मगर उसको बहुत लोग खरीदने के लिए पीछे लग जाते हैं तो क्या होता है, सप्लाई इज लिमिटेड बट डिमांड इज इंक्रीजिंग, इट विल लीड टू इंक्रीज इन प्राइस, स्केयरसिटी की वजह से इंक्रीज इन प्राइस, एंड एग्जैक्टली द सेम थिंग हैपन हियर, प्राइजेस इतने बढ़ गए कि लोगों ने, वो अफोर्डेबिलिटी के ऊपर हो चुका था लोगों के लिए, एंड लोगों ने फिर उसको खरीदना बंद कर दिया। स्टॉक प्राइजेस वेर इंक्रीज्ड मल्टीपल टाइम्स लीविंग लेस नंबर ऑफ बायर्स एट सच हाई प्राइजेस लीडिंग टू बबल बस्ट। अब क्या हुआ, अगर लेस नंबर ऑफ बायर्स रेडी है तो फिर शेयर प्राइजेस क्या होंगे, कम होना स्टार्ट हो जाएंगे, एंड जब शेयर प्राइजेस कम होना स्टार्ट हो जाएंगे तो ये जो लैविशनेस, ये जो शो ऑफ दिख रहा था मार्केट में, ये धीरे 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 कम होने लग गया। जब तक पैसा आ रहा है तब तक अफोर्डेबिलिटी सब चीजों की हो सकती है, एडवर्टीजमेंट पे ह्यूज अमाउंट स्पेंड कर सकते हैं क्योंकि पैसा भी बिलियन एंड ट्रिलियन डॉलर में आ रहा है, बट अगर स्टॉक प्राइजेस कम होने लग गए तो पैसा कम आने लग जाएगा, एंड जब पैसा कम आने लग जाएगा तो ऑब्वियसली ये सब शो ऑफ खत्म हो जाएंगे, जिस वक्त शो ऑफ खत्म हो जाएंगे तो चर्चा भी कम हो जाएगी और बाय डिफॉल्ट प्राइजेस फर्दर डाउन हो जाएंगे, एंड दैट वॉज द स्टार्ट ऑफ बबल बस्टिंग इन द ईयर 2001। एग्जैक्टली मैं दो साल बाद की बात कर रहा हूं, देर वेर ओनली 76 आईपीओस, जहां पे पहले ऑलमोस्ट 500 आईपीओस थे, 400 समथिंग, अभी सिर्फ 76 आईपीओस है, एंड नन ऑफ देम डबल्ड ऑन देयर लिस्टिंग डे, नन ऑफ देम डबल्ड ऑन देयर लिस्टिंग डे, एंड नैसडैक, यू विल बी शॉक्ड टू हियर दिस, नैसडैक उधर का स्टॉक एक्सचेंज है जैसे बीएससी इंडिया में वैसे, नैसडैक विच वॉज 5000 पॉइंट्स पे अप्रोक्सीमेटली In 1999, within 2 years, it came down to 1000 points. Nasdaq 5000 points से directly 1000 points पे आ चुका था, जैसे हमारे इंडिया में सेंसेक्स होता है वैसे ये उधर का इंडिकेटर है, एंड उसका जो लेवल होता है, जैसे अभी सेंसेक्स इंडिया में 20-30,000 के आसपास है सपोज, तो ये सेंसेक्स है जो एक इंडिकेटर है बीएससी का, वैसे नैसडेक का इंडिकेटर जो है वो 5000 पॉइंट्स पे प्ले होता था, डायरेक्टली बबल बस्ट के बाद 2001 में इट केम टू 1000 पॉइंट्स। तो क्या होता है सर, मार्केट डाउन हुआ तो क्या होता है, लोगों के मनी वैल्यू, मार्केट वैल्यू शेयर्स के कम हो जाते हैं, जिसको मार्केट कैपिटलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन। व्हाट इज मार्केट कैपिटलाइजेशन, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू पर शेयर, दैट इज कॉल्ड एज मार्केट कैपिटलाइजेशन, एंड ह्यूज फॉल इन मार्केट कैपिटलाइजेशन वाज देयर बिकॉज शेयर प्राइस वाज कंटिन्यूअसली फॉलिंग डाउन। फ्रेंड्स कुछ फैक्ट्स आपको 2001 के बता देता हूं मैं, विदिन टू ईयर्स $5 trillion ऑफ टेक्नोलॉजी कंपनी वैल्यू डिक्रीज्ड, इरेज्ड, खत्म, $5 trillion बोल रहे हम लोग, एंड दैट टू विदिन टू ईयर्स 1999 से 2001 के आसपास, एंड $5 trillion, जबकि मैं आपको बता दूं नैसडेक का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन वॉज अराउंड $7 trillion, तो $7 trillion का वैल्यू $5 trillion से कम होना मतलब कितना हो गया, ऑलमोस्ट 75-80% कम हो रहा है, एंड टू बी मोर प्रिसाइज विल कम टू फिगर्स ऑल्सो, मोर देन 10,000 IT professionals were left with no job,
क्योंकि उनकी कंपनी के शेयर प्राइस कम हो रहे, बिजनेसेस बंद होने लग गए, बैंक्रप्सी स्टार्ट होने लग गए, लोगों ने अपने एम्प्लॉयज को बाहर निकालना स्टार्ट कर दिया एंड बिल्डिंग्स खाली होने लग गए। जो लैविश ऑफिसेस थे वो और रेंटल पे नहीं कर पाते थे इसलिए वो भी बंद हो गए। एंड ऑलमोस्ट इतने सारे आईटी प्रोफेशनल, 10,000 से भी ज़्यादा आईटी प्रोफेशनल्स के जॉब खत्म हो चुके थे सिलिकॉन वैली के। एंड नैसडैक का मार्केट वैल्यूएशन, जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है, वो 78% से कम हुआ है। 78% पे नहीं आया है, 78% तक नहीं आया है, इट इज डिक्रीज बाय 78%, मतलब इट केम डाउन टू ओनली 22%। सो दैट यू कैन इमेजिन इट वॉज लेफ्ट विथ ऑलमोस्ट $2 trillion। ओके, दिस वॉज द इम्पैक्ट ऑफ बबल बस्ट। ये जब बबल क्रिएट हो रहा था तो यूएसए का सबसे बड़ा बबल बोलते हैं इसको, एंड जब ये डाउनफॉल आया तो इसका सबसे बड़ा क्रैश भी बोलते हैं इसको। इस टाइम पे मार्केट्स लोअर सर्किट पे लगते हैं, लोअर सर्किट, इस पर भी अपन ने एक सेशन लिया था काफी टाइम पहले। ओके, अपर सर्किट क्या होता है, लोअर सर्किट क्या होता है, जब मार्केट कंटिन्यूअसली फॉल होता है तो करेक्शन आता है मार्केट में, सब प्राइजेस स्लैश डाउन होने लग जाते हैं एंड धीरे धीरे वो अपने फंडामेंटल वैल्यू पे, ओरिजिनल वैल्यू पे आना स्टार्ट हो जाते हैं। जिन कंपनीज के एसेट्स, फिजिकल एसेट्स वर्थ देयर शेयर्स थे, वो लोगों के वैल्यू टिके रहे, बट जिन लोगों के फंडामेंटल वैल्यूज बहुत कम है मगर मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा है, उनके स्टॉक सेल ऑफ होने लग गए एंड धीरे धीरे उनका बिजनेस खत्म होने लग गया। आफ्टर द बबल बस्ट व्हाट हैपेंड फ्रेंड्स, कंपनीज लाइक अमेजॉन, ईबे सर्वाइव विद गुड बिजनेस। आई वुड लाइक टू स्टेट वन फैक्ट हियर, फ्यू मंथ्स बिफोर द बबल बस्ट, अमेजॉन वॉज द मोस्ट फॉर्चुनेट कंपनी टू रेज $600 billion फ्रॉम स्टॉक मार्केट। जस्ट फ्यू वीक्स बिफोर, फ्यू मंथ्स बिफोर दैट बबल बस्ट, अमेजॉन ने $600 billion रेज किए थे मार्केट से, इसलिए अमेजॉन वॉज द मोस्ट स्टेबल कंपनी दैट टाइम। बट बबल जैसे ही बस्ट हुआ, मतलब मार्केट जैसे ही क्रैश होने लग गया, फिर बाकी कंपनीज आउट ऑफ बिजनेस होने लग गए, बैंक्रप्सीज होने लग गए। कुछ ही कंपनीज जिनका फंडामेंटल स्ट्रांग था, जिनका टेक्निकल नॉलेज स्ट्रांग था, जिन्होंने ओरिजिनली इस बिजनेस में एंटर हुए थे या विथ नॉलेज एंटर हुए थे, वही लोग टिक पाए। कंपनीज लाइक pets.com, देन webvan.com एंड broadcast.com, दे कंप्लीटली इरेज्ड फ्रॉम मार्केट, एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गया कंपनी का, बैंक्रप्सी फाइल कर दिया इन्होंने एंड कंपनी का बिजनेस आउट ऑफ ऑर्डर हो गया। कुछ ही टाइम में जो कंपनीज, pets.com, लेट मी टेल यू, मार्केट वैल्यूएशन वॉज सो हाई दैट पीपल आर वेर कंटिन्यूअसली बाइंग द शेयर्स ऑफ दिस कंपनी एंड वेर डाइंग टू बाय द कंपनी शेयर। ओके, एंड ये विद इन फ्यू मंथ्स एंड ईयर्स आउट ऑफ मार्केट हो चुका था कंपनी। दिस वॉज द इम्पैक्ट ऑफ दैट बबल बस्ट। फ्रेंड्स, ये सब पिक्चर देखकर ऐसा लगता है कि इंटरनेट पे भरोसा नहीं किया जाए, इंटरनेट कुछ नहीं है इसका मतलब, ऐसा नहीं है ना। हमने ई कॉमर्स पर भी एक सेशन लिया था और आपको याद होगा, तो ई कॉमर्स इज ऑब्वियसली अ वेरी ह्यूज थिंग। ओके, बट 1995 में जो चीज स्टार्ट हुई थी, 1999 में इतनी ह्यूज हो गई, ये कहीं डाइजेस्ट नहीं होता ना। ऑब्वियसली ये लास्ट का लाइन इंपॉर्टेंट है वहां पर, ई कॉमर्स इज अ बिग थिंग बट द फैक्ट इज टू क्रिएट बिग थिंग्स बिग टाइम इज रिक्वायर्ड। बराबर ना, कोई भी बड़ी चीज क्रिएट करने के लिए बड़ा टाइम लोग लगेगा ना, उसको अचानक से 2-3 साल के स्पैन में आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि मैंने इतना बड़ा ह्यूज एम्पायर क्रिएट किया है। फिर वो अगर कम टाइम में इतना ह्यूज एम्पायर क्रिएट किया तो उसको कोलैप्स होने के लिए भी कुछ ही टाइम लग जाएगा। एंड दैट वॉज एग्जैक्टली वॉट हैपेंड इन बबल बस्ट। स्पेक्यूलेशन स्टार्ट हो गया, लोगों ने विदाउट नॉलेज इल्यूजन्स पे पैसा इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया। टिल नाउ ऑल्सो वी कैन सी फ्यू बबल इन द मार्केट। अभी करंट सिनेरियो ऐसा चल रहा है, क्रिप्टो करेंसी एक बबल है ऐसा बोलते हैं, एंड काफी लोग उसको .com बबल से रिलेट करना भी स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप इंटरनेट सर्फ करोगे तो आपको समझेगा। ओके, सो नाउ व्हाट हैपेंस, क्रिप्टो करेंसी, व्हाट इज द बेस, व्हाट इज द फंडामेंटल, डू यू नो एनीथिंग, नो, बट यू वॉन्ट टू बाय द शेयर, बाय दैट क्रिप्टो करेंसी। बिटकॉइन बाय करना है सर, बिटकॉइन कैसे बाय करते हैं सर, क्यों बाय करना है, क्या होता है बिटकॉइन, नहीं पता सर, मेरे दोस्त ने पैसा इन्वेस्ट किया है। बबल बस्ट, रिमेंबर जो बबल होता है वो एक ना एक टाइम पर बस्ट होता ही है। वी नेवर नो, शायद क्रिप्टो करेंसी इज ऑल्सो अ बबल, बिकॉज एन नंबर ऑफ क्रिप्टो करेंसीज आर कमिंग इन मार्केट एवरी डे, अ न्यू करेंसी इज कमिंग इन टू मार्केट विथ अ व्यू दैट, विथ अ होप दैट इट विल बिकम नेक्स्ट बिटकॉइन। ऑब्वियसली कोई भी अरे गरे कंपनी में इन्वेस्टमेंट मत करो, एंड बिटकॉइन भी अगर रहेगा तो सोच के इन्वेस्टमेंट करो। जब तक आपको फंडामेंटली पता नहीं है कि वो होता क्या है, आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए।
बराबर ना, कोई भी चीज जस्ट बिकॉज वो बढ़ रही है, तुम एक इल्यूजन क्रिएट कर रहे हो माइंड में, तुमको पैसा चाहिए, तुम उसको फंडामेंटल साइड में रखकर विदाउट सोचे समझे इन्वेस्टमेंट करोगे तो शायद ऐसा ही कुछ होगा कि आपका पैसे का वैल्यू जीरो बन जाएगा. दिस वॉज ऑल बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स टेकन बाई फ्यू स्टूडेंट्स फ्रॉम माई फाउंडेशन बैच. एंड फ्रेंड्स, ऐसे टाइप के और वीडियोज देखने के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हो प्रशांत सारडा के नाम से. And every time you invest, be a wise and learned investor, okay? And suggest to your parents and relatives also. Thank you, friends. Keep watching the video.